हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 कैंडिडेट्स के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फाइनली आपका लेवल 6 और लेवल 4 का जो एग्ज़ाम्स है वो आज आकर समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने एग्ज़ाम्स के लेवल को जाना और देखा। आज का हमारा ये जो सेशन है, आने वाले जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 2 के, लेवल 3 के और लेवल 5 के एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। आज का वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा लेवल 4 और लेवल 6 में हार्ड सवालों की बौछार लगी हुई थी। तो आप लोगों को इससे क्या सीख मिलती है, आप लोगों की तैयारी किस ओर जानी चाहिए, आज के जो हमारा सेशन है इससे आप लोग फ़ायदा ले सकोगे। फिर चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो उनसे रिक्वेस्ट होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी शेयर कर दूं। देखो, आज का ये जो हमारा सेशन है वो डिफरेंट होने वाला है। मैं चाहूं तो आपको लेवल 6 और लेवल 4 में कल और आज जो सवाल पूछे गए हैं रेलवे की ओर से, उसका मैं शानदार रिव्यू आपको दे सकता हूं, उसका एनालिसिस, उन सभी प्रश्नों को अप्रॉक्स 100+ सवालों को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा सकता हूँ, हूबहू सवाल जो कि मुझे 100% याद हैं। तो उस तरीके से आप लोग देखोगे जो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा सकता हूँ। लेकिन मैं आज इस सेशन को आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, यह सेशन डिफरेंट होने वाला है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि देखो, लेवल 6 और लेवल 4 में एग्जामिनर किस तरीके से प्रश्न को घुमा रहे थे, इन दोनों लेवल में किस तरीके से डिफरेंट को सामने लेकर आए, यानी कि दोनों लेवल में क्या डिफरेंस रहा, उन्होंने एक दिन के अंतराल पे किस तरीके से लेवल को पलटा, प्रश्नों को डिफरेंट तरीके से पेश किया, यह आज के सेशन में जान सकोगे। साथ ही साथ आने वाले जो आपके लेवल 2 के एग्जाम हैं, लेवल 3 के और लेवल 5 के एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होने वाला यह वीडियो। क्योंकि मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि आने वाले शिफ्टों के लिए आप क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्योंकि आज का ये जो आपका एग्ज़ाम था और कल का जो एग्ज़ाम था उसमें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सवाल पूछे गए थे। आप कितने भी करेंट अफेयर्स को रट के जाओ, वहाँ पे जाओगे तो मुश्किल से आपसे एक दो सवाल हो सकता है जाने पहचाने मिले। आपको सवाल जो है अपने कॉमन सेंस से अटेम्प्ट करने हैं, सबसे बड़ी बात यह है एग्ज़ाम की। तो आप लोग ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले यदि मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स आपका लेवल 4 और लेवल 6 का अप्रॉक्स 100% सेम आप लोग कह सकते हो। अप्रॉक्स 100% मैं कह रहा हूँ, 1-2% आगे पीछे मान के चलो, लगभग मैथ्स का लेवल सेम था, प्रश्नों का जो लेवल था वह भी सेम था। उसके बाद आप लोग समझना डिफरेंट सवाल क्या पूछे गए थे। एक मीन मीडियम से डिफरेंट सवाल पूछे गए थे, वो डिफरेंट तरीके के सवाल थे, उसके जो आंसर थे वो थोड़े अजीबोगरीब थे। और एक लैंग्वेज का सवाल था, वो परसेंटेज बेस्ड लैंग्वेज था, फ्रैक्शन बेस्ड लैंग्वेज था, तो आप उस सवालों को कुछ डिफरेंट तरीके से कर सकते थे, वहाँ पर आपका टाइम कंज्यूम हो रहा था। उसके बाद आप लोग ध्यान से समझना, CISI के जो सवाल थे, एक सवाल ईजी कह सकते हो आप लोग, मॉडरेट कह सकते हो, ईजी तो नहीं कहोगे, मॉडरेट कहोगे, और दूसरे जो सवाल थे CI के वो हार्ड सवाल थे। DI के देखोगे टाइम कंज्यूमिंग सवाल थे, एक ही सवाल थे। और सबसे बड़ी बात, मैथ्स में जो सवाल थे वो लास्ट ईयर की भांति यदि मैं CBT 2 से कंपेयर करूँ, या आप लोग किसी प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगा रहे होगे, वो टेस्ट बुक है आपका या फिर गेटअप हो, किसी भी तरीके से आप लोग टेस्ट लगा रहे होगे, उन सबसे डिफरेंट लेवल देखने को मिला है। एग्ज़ाम का जो लेवल रहा है आज का, वो उन सभी लेवल से अप रहा है। अब यदि मैं रीजनिंग की बात करूँ, यह जो सेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे छात्रों का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। आप लोग देखोगे कि रीजनिंग के सेक्शन को लेकर सभी छात्र परेशान हैं, क्योंकि रीजनिंग में एग्जामिनर क्या चालाकी कर रहा है, आप लोग ध्यान से समझना। आप लोगों को आगे क्या करना है वो भी मैं अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। रीजनिंग के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं समझना, वो आपसे कुल मिलाकर 6 सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड सवाल पुट कर रहे हैं। अब वहाँ पे पचल भी उसमें एक होता है आपसे, और वो क्या कर रहे हैं, आपसे 6 अप्रॉक्स फिगर बनवा रहे हैं वो लोग। यदि आप लोग 6 प्रश्न को सॉल्व करोगे तो प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं, केवल 6 पूछे जा रहे हैं। यानी कि आप लोग यदि 6 सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करते हो तो आप केवल 6 प्रश्न को ही सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे छात्र का टाइम जा रहा है, क्योंकि एक बार यदि वो लोग किसी एक सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं तो एटलीस्ट 3 सवाल दिखने चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है एग्जाम में। 6 सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल पूछे गए, उसमें देखो कोई लाइन पे बैठा हुआ है, आमने सामने कुछ लोग बैठे हुए थे, कोई सर्कल पे बैठा हुआ है जिनका सभी का जो फेस है वो सेंटर की ओर है, कुछ ऐसे भी सवाल थे, कुछ तो सबसे लंबे हैं छोटे हैं इस तरीके से सवाल थे, उन सब से केवल 1 प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर छात्रों को बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद आप लोग समझना, कोई भी सवाल रीजनिंग का आसान आप लोग नहीं कह सकते हो, अप्रॉक्स मॉडरेट टू टफ़ यहाँ का लेवल रहा है रीजनिंग सेक्शन का। मैथ्स का भी मॉडरेट टू टफ लेवल,
क्योंकि आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर में जैसे नॉर्मल आपसे परसेंटेज पूछ लेते थे, या फिर नॉर्मल ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, तो बता दो ए बी कितने दिनों में, इस तरीके से सवाल नहीं पूछा गया इस बार। इसलिए छात्रों का जो टाइम है वो वहाँ पर ज़्यादा लग जा रहा है और छात्र परेशान हो जा रहे हैं और प्रश्न जो है वो छूट जा रहा है। मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ, आप SSC के छात्रों या फिर बैंक के छात्रों, सभी छात्र वहाँ पर परेशान दिखे हैं, सभी छात्र टाइम के लिए वहाँ पे संघर्ष करते हुए दिखे हैं। तो इसलिए आप यह मत समझना कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है या फिर मैं बैंक का स्टूडेंट हूँ, पजल मिनटों में सॉल्व कर देता हूँ तो मैं यहाँ भी प्रश्न को सॉल्व कर दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत सारे लोग मिले जो कि बैंक वाले थे, SSC सब लोग मिले, उन सभी लोगों के साथ यही परेशानी रही टाइम की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैथ्स और रीजनिंग का किस तरीके से लेवल उन्होंने सेट किया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है GK और करंट अफेयर्स को लेके। देखो फर्स्ट डे यदि मैं GK की बात करूँ तो काफ़ी डीप GK पूछा गया था, सेकेंड डे उससे थोड़ा सा कम डीप पूछा गया है। यानी कि सेंसस से फर्स्ट डे आप लोगों ने देखा कि 1 मिलियन से कितने ज़्यादा संख्या में लोग, इस तरीके से पूछा गया था कितने उसे डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन आज जो पूछा गया है प्रश्न वो आप लोग देखोगे सेंसस से ही पूछा गया, लेकिन उसमें पूछा गया है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जनसंख्या सबसे कम थी 2011 के जनगणना के अनुसार, और वह जो डिस्ट्रिक्ट है वह किस स्टेट में पड़ता है। तो आप लोगों को उस स्टेट का केवल नाम टिक करना था, इस तरीके से सवाल पूछे गए। तो लेवल थोड़ा सा कम आप लोग GK का मान सकते हो, लेकिन GK का कुछ सवाल बहुत अटपटे से थे जो कि पहले नहीं सुने गए थे। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे करेंट अफेयर्स का सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट 6 मंथ के पढ़ के जा रहे हैं। अभी मैं आपसे बताऊंगा लास्ट 6 मंथ पढ़ के जाओगे तो आप लोग एक क्वेश्चन आज के एग्जाम के दौरान सॉल्व कर पाते और कल के एग्जाम के दौरान भी एक प्रश्न सॉल्व कर पाते, यानी कि लेवल 6 में भी एक, लेवल 4 में भी एक। सारे प्रश्न जो ये लोग सेट कर रहे हैं वो 2020 से कर रहे हैं, 2021 से कर रहे हैं। आज भी कई सारे प्रश्न मार्च 2021 से आप लोग ये बता दो 2021 में ये किया मोदी जी ने, ये किया, इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो वो 2021 पे ही अभी तक फिलहाल रुके हुए हैं। तो देखो आप लोग, कल आपका लेवल 6 का और लेवल 4 का आज एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। उन एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि मैथ्स में खास तौर पे अलजेब्रा के सवाल नहीं पूछे गए हैं अब तक, ज्योमेट्री के कोई सवाल नहीं पूछे गए हैं, ट्रिगो के एक सवाल पूछे गए थे, अप्रॉक्स कल भी 2 सवाल दिखे थे। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो अब तक एग्जामिनर ज्योमेट्री और अलजेब्रा को टच नहीं किया है। तो आप लोग यहाँ पे इसका मतलब यह भूल कर भी मत समझना कि आने वाले शिफ्ट में वो लोग अलजेब्रा और ज्योमेट्री से सवाल नहीं करेंगे, यही उनका प्लान है। तो आप लोगों को अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी करना है, साथ ही साथ करेंट अफेयर्स को लेकर आप लोग आने वाले समय में करेंट अफेयर्स के जो सवाल हैं वो आपको मार्च 2022 तक दिखने वाले हैं। इसीलिए आप लोग करेंट अफेयर्स अप्रॉक्स मार्च तक के करते रहो साथ ही साथ, क्योंकि एग्जामिनर का ये प्लान है कि छात्र को भ्रमित कर सके कि आज इनके द्वारा जो सवाल आज और कल पूछा गया है वो सारे सवाल 2020 और 21 से पूछे गए थे अप्रॉक्स। आज के शिफ्ट में एक सवाल थे जो कि अप्रॉक्स 2022 तक को टच कर रहे थे, बाकी के जो सवाल थे वो 2020 से 21 पे सिमट के रह जा रहे थे। 21 मार्च में क्या हुआ इस तरीके से सवाल पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे आने वाले जो आपके लेवल 2, 3, और 5 के एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये लोग मार्च 2022 तक जाएंगे। तो आप लोग इन दोनों एग्ज़ाम को देखकर गलतफहमी मन में मत पालना कि ज्योमेट्री से सवाल नहीं आएंगे, अलजेब्रास नहीं आएंगे, करंट अफेयर्स के पुराने पूछ रहे हैं तो पुराने पढ़ूँ, तो यहाँ पे ये उनकी चालाकियाँ हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे सतर्क रहना है। चलिए उम्मीद करता हूँ आज के ये जो सेशन रहा है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट डे जैसे ही आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आए मैं लेकर सबसे फास्ट आऊँगा। लेवल 5 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है इस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू सो मच।